Assalamualaikum students, I hope you are fine. Let's start lecture number 9 from chapter number 2, plants and their system. आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपिरेशन. एक्चुअली ट्रांसपिरेशन कहते हैं वाटर ट्रांसपायर होना, मतलब वाटर का लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू सराउंडिंग एयर में ट्रांसपायर होना. उस टर्म को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. अब हम ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि वो क्या है. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट लूजेस वाटर फ्रॉम इट्स लीव्स. अपने लीव्स से प्लांट वाटर को लॉस करता है इनटू द सराउंडिंग एयर. कहाँ पे? सराउंडिंग एयर में. द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम सेल इनसाइड द लीव. वाटर लीव के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है. वाटर वेपर देन पासिस आउट ऑफ द लीव. वाटर वेपर लीव से पास आउट होते हैं थ्रू द टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा. छोटे छोटे सुराख के थ्रू, ठीक है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा क्या है? टाइनी होल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव. ठीक है, स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव के लोअर साइड पे. ठीक है, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव के लोअर साइड पे, उसके नीचे वाली सतह पे. और स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी होल्स जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपायर होता है. अंडरस्टैंड? अब हमने देखना है कि ट्रांसपायरेशन को कौन कंट्रोल करता है, मतलब वाटर के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है. ईच स्टोमा, स्टोमा कहते हैं सिंगुलर. ठीक है, अगर ज़्यादा सुराख हों, टाइनी होल्स अगर ज़्यादा होंगे तो उसको हम स्टोमेटा कहेंगे. अगर तो सिंगल होल है तो उसे हम स्टोमा कहते हैं. तो सिंगुलर के लिए हम स्टोमा यूज़ कर रहे हैं और प्लूरल के लिए वर्ड स्टोमेटा. ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाई टू सॉसेज शेप्स गार्ड सेल विच कंट्रोल द साइज ऑफ द होल. हर स्टोमा के इर्द गिर्द सॉसेज शेप गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं साइज ऑफ द होल को, मतलब स्टोमा के साइज को कंट्रोल करते हैं. लाइक दैट दिस वन, ये क्या है? स्टोमा, होल, मतलब ये दरमियान में होल है और ये इसके गार्ड सेल्स हैं. इसको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स, जो कि इस पोर को, इस होल को कंट्रोल करते हैं. कब इसने ओपन होना है, कब इसने क्लोज होना है. जब वाटर सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इन गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होगा देन ये गार्ड सेल्स ओपन हो जाएंगे. ठीक है, और जब ये ओपन हो जाएंगे तो ये सुराख क्या हो जाएगा? ये भी ओपन हो जाएगा, मतलब ब्रॉड हो जाएगा और वाटर इसमें से इजीली पास आउट हो जाएगा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा. ठीक है, अगर वाटर यहाँ से बाहर निकल आए तो ये क्या हो जाएंगे? फ्लैसिड हो जाएंगे, मतलब सारा पानी बाहर आ गया. और ये कैसे हो जाएंगे? दिस वन. और ये पोर क्या हो जाएगा? बंद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले ये ज़्यादा बड़े थे, क्योंकि इनके अंदर वाटर था, लेकिन अब वाटर जो है वो मूव आउट होना शुरू हो गया, बाहर आना शुरू हो गया, इसलिए ये सुराख पे क्या होना शुरू हो गया? इसका साइज़ कम होना शुरू हो गया. ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें से पूरा पानी बाहर आ जाएगा और ये पूरे के पूरा स्टोमेटा बंद हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो स्टोमेटा था वो क्लोज हो जाएगा. तो इसका मतलब है गार्ड सेल इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे हैं. हेयर यू सी, दिस इज़ द गार्ड सेल, टू गार्ड सेल्स. ठीक है, और ये दरमियान में क्या है? स्टोमा, वाइड ओपन, राइट. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ प्लांट हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, जब प्लांट के पास बहुत ज़्यादा वाटर होता है द प्रेशर इनसाइड द गार्ड सेल राइजेस. तो गार्ड सेल के पास वाटर, मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल के पास ज़्यादा है तो ये क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड द स्टोमा विल ओपन, और स्टोमा ओपन हो जाएगा. ओपन स्टोमेटा अलाउ मोर वाटर, मोर ट्रांसपिरेशन. ओपन स्टोमेटा क्या करता है? ट्रांसपिरेशन को अलाउ करता है, मतलब अब ट्रांसपिरेशन क्या होगी? होती रहेगी. नेक्स्ट, सेट्रेन गार्ड सेल. अब यहाँ पे क्या हो गया है? वाटर ट्रांसपायर हो गया है.
ठीक है, तो गार्ड सेल जो थे वो सेट्रेट हो चुके हैं और स्टोमा क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। हाउएवर व्हेन गार्ड सेल लूज वाटर, जब गार्ड सेल से वाटर लूज हो जाएगा, द प्रेशर इनसाइड फॉल्स, जो प्रेशर था गार्ड सेल्स में वाटर का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, एंड द स्टोमा विल क्लोज। क्लोज स्टोमेटा स्लोस डाउन ट्रांसपिरेशन, अब जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो वो ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स तो होंगे जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। अब हमने वो फैक्टर्स देखने हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। द स्पीड और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैन बी अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स, फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड विंड ऑन विंडी डेज, थर्ड ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ टाइम ऑफ डे। फर्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑन वार्म डेज मोर वाटर विल इवेपोरेट फ्रॉम द लीव सेल टू, सो ट्रांसपिरेशन विल स्पीड अप। मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो तब क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होगा। इसका मतलब है ट्रांसपिरेशन का रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा देन टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज विंड ऑन विंडी डेज, मतलब हवा का चलना। वाटर वेपर विल बी ब्लोन अवे एज इट कम्स आउट थ्रू द स्टोमेटा, सो ट्रांसपिरेशन विल स्पीड अप। जब हवा पत्ते के ऊपर से गुजरती है तो वो अपने साथ वाटर वेपर्स को भी ले जाती है, तो इसका मतलब है जब ज़्यादा हवा चलेगी तब ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हैं हवा में नमी, ह्यूमिडिटी मतलब हवा में वाटर वेपर्स का शामिल होना, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। देन ऑन ड्राई डेज द एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर, ड्राई डे जब हवा में नमी नहीं होती, ठीक है, तब क्या होता है कि एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर, एयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स को होल्ड करती हैं, सो ट्रांसपिरेशन विल स्पीड अप। तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है उसका रेट। फोर्थ पॉइंट इज टाइम ऑफ डे। स्टोमेटा आर ओनली ओपन ड्यूरिंग द डे इन मोस्ट प्लांट, ज़्यादातर स्टोमेटा दिन के टाइम ओपन होते हैं, सो ट्रांसपिरेशन विल बी फास्टेस्ट देन, इसलिए ट्रांसपिरेशन दिन के टाइम ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, मतलब पाथवे क्या है ट्रांसपिरेशन का। एज अ प्लांट लूजेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन मोर वाटर इज पुल्ड अप इन द जाइलम ट्यूब टू रिप्लेस इट, जैसे ही प्लांट वाटर को लूज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पुल अप किया जाता है, मतलब खींचा जाता है थ्रू द जाइलम ट्यूब्स, ताकि उस वाटर को रिप्लेस किया जा सके। जस्ट एज अ ड्रिंकिंग इज पुल्ड अप अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ व्हेन यू टेक अ सिप, ठीक है, जैसे उसी तरह जैसे आप सिप लेते हैं स्ट्रॉ से, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्ट्रॉ के मतलब पुल अप होता रहता है स्ट्रॉ में, ठीक है। एट द सेम टाइम वाटर एंटर्स द जाइलम ट्यूब फ्रॉम द रूट, उसी तरह वाटर जाइलम ट्यूब में पुल अप होता है फ्रॉम द रूट। रूट आर कवर्ड इन रूट हेयर्स, रूट हेयर्स में कवर होते हैं, विच आर टाइनी एक्सटेंशन ऑफ द आउटर सेल्स ऑफ द रूट, जो कि टाइनी एक्सटेंशंस हैं किसके, रूट के, ठीक है। मैंने आपको पहले भी ये बताया होगा, अगर ये रूट है, दिस वन इज़ रूट, तो रूट की फर्दर डिवीजन होती है जिसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि रूट ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल से वाटर को टेक कर सकें, ठीक है। अगर हम इस पाथवे को देखें तो इस पाथवे में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, वाटर एंटर रूट हेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल,
मतलब वाटर कहाँ एंटर हो रहा है, रूट हेयर्स में, दिस वन इज़ रूट हेयर्स। तो सॉयल पार्टिकल से वाटर रूट हेयर्स में एंटर हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, वाटर मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे सेल्स हैं और वाटर सेल टू सेल मूव हो रहा है बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या था, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई सेल्यूलर कंसंट्रेशन टू लो सेल्यूलर कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब इस सेल में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस सेल में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर इस सेल से इस सेल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वाटर इज़ पुश्ड इनटू एंड अप द जाइलम ट्यूब बाय प्रेशर। अब वाटर जाइलम ट्यूब में प्रेशर के थ्रू क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, वाटर इज़ पुल्ड अप द जाइलम ट्यूब, वाटर जाइलम ट्यूब में पुल अप हो रहा है, दिस वन इज जाइलम ट्यूब, ऑल राइट। फिफ्थ पॉइंट, अब जाइलम ट्यूब के थ्रू वाटर कहाँ पर आ रहा है, लीफ में आ रहा है, ठीक है। वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लीफ सेल इनटू एयर स्पेसेस,